सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानोली इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जैसे कि पिछले दो रोज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। अब एक चीज आप ये देखें, स्थिर विद्युत की में जैसे चार चैप्टर अपने, ठीक है, वैसे तो पहले दो चैप्टर होते थे, आजकल इसको चार चैप्टरों में डिवाइड कर दिया है। तो चार चैप्टर, उसका पहला जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं क्या, आवेश व विद्युत। तो इसमें हमने आवेशों के बहुत सारे गुणों के बारे में सबसे पहले देखा था कि आवेश क्या है, फिर आवेशन के मेथड, आवेशन के तरीके क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हैं। उसमें अपने पास तीन तरीके थे, कौन कौन से थे, एक चालन का था, एक घर्षण का था और तीसरा किसका था, प्रेरण का था। अब इसके बाद में आवेश के गुणधर्म, तो पहला गुणधर्म आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, आवेशों की योग्यता। पहला गुणधर्म है आवेशों की योग्यता। तो आवेश के गुणधर्म इसमें ये पहला है, टोटल ये कितने हैं, चार है। अब जब भी इसे लिखे पढ़े, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो कि भाई अपने को टॉपिक देखना आवेशों की गुणधर्म, तो आवेशों की गुणधर्म सबसे पहले आप देखो कितने हैं, चार है। तो चारों के आपको चार याद नहीं आ रहे तो तीन याद आएंगे, दो याद आएंगे, फिर और देख लो। सबसे पहले आप सूट में लिखा, इससे क्या होगी चीजें आसानी से याद होती है, ठीक है ना। सबसे पहले हेडिंग याद हो जाएगी, उसके बाद में अंदर की चीजें याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आवेशों की गुणधर्म, जैसे गुणधर्म का नाम आएगा तो हम देखेंगे कि कितने गुणधर्म हैं, तो चार गुणधर्म हैं। वो चार कौन कौन से हैं, पहला है योग्यता, उसके बाद में दूसरा क्या है अपना निश्चयता, तीसरा है संरक्षण और चौथा आपका गुणधर्म क्या है, क्वांटीकरण। अब आप ये कहोगे कि हमें तो पहले क्वांटीकरण याद आ गया, कोई फर्क नहीं, कुछ कैसे भी बोलो कि पहला क्वांटीकरण, संरक्षण, निश्चयता, योग्यता, योग्यता, निश्चयता, संरक्षण, क्वांटीकरण, कैसे भी ये चारों सबसे पहले आपके याद करनी चाहिए, ठीक है। फिर अंदर क्या मसाला है उसकी बात करते हैं। तो आवेशों की योग्यता, योग्यता का मतलब सीधा सीधा है योग, एडिशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडिटिविटी, सीधा सीधा एडिशन, जोड़। तो आवेशों का जोड़ कैसे होगा, तो देखिए एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं फिर और बात करेंगे। तो आवेश एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, अतः किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ ली, कुछ भी याद नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एक तो क्या थी, अधिस राशि, ठीक है, अधिस राशि हो गया, उसके बाद में निकाय आया, तो हम एक निकाय बना लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये निकाय सिस्टम ऐसे ऐसे रफली ऐसे क्यों बना, ये कैसे भी बना सकते हो, आप गोला भी बना सकते हो, ये गोला है, लोहे का गोला है, कॉपर का गोला है, निकाय है। आप एक एटम ले लो, छोटा सा अणु ले लो, किसी भी चीज का परमाणु ले लो, वो भी क्या है, निकाय। जब हम सिस्टम की बात कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, सिस्टम में हम कुछ भी हो सकते हैं, यदि हम चार जन हैं तो ये क्या हो गया, एक निकाय हो गया। और इस निकाय के अंदर क्या है, खूब सारे चार्ज है, जैसे कि ये चार्ज क्या आपका Q1, ये Q2, ये Q3, और यहाँ पे इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में, ये हमने मान लिया Q1। तो अब ये आवेशों की योग्यता क्या बताती है, ये बताती है कि किसी निकाय का कुल आवेश इसमें उपस्थित सभी आवेशों का कैसा योग होगा, बीजगणितीय योग होगा। तो बीजगणितीय योग होगा, यहीं से हम बात करते हैं कि कुल आवेश यानी समीशन क्यू, मैथ में समीशन यानी सभी को जोड़ने के लिए आता है, समीशन क्यू क्या होगा, सभी आवेशों का कैसा योग होगा, बीजगणितीय योग होगा। तो बीजगणितीय योग में कोई समस्या ही नहीं, Q1 उसमें क्या जोड़ दो आप, Q2 फिर क्या जोड़ दो आप, Q3, और इसी प्रकार से जोड़ते जाओ, तो कहां तक जोड़ोगे, Q1 तक हो गया। तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी आवेशों की योग्यता। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, एक नंबर के लिए आता है, क्या आता है कि आवेशों की योग्यता समझाइए, तो आपको क्या बताना होता है कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। और उसके साथ में ये फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूले के साथ ही पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर आगे हो जाएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, समझने के लिए आप ये बना सकते हैं, कोई भी सिस्टम बना सकते हैं, उसमें इस प्रकार से कुछ चार्ज दिखा दें और समीशन क्यू इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 Q3, इसी प्रकार से। अब इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं, जैसे यही निकाय इधर वाला,
अभी हमने Q1 Q2 जो भी चार्ज रखे हैं उनकी कुछ वैल्यूज रख देते हैं, जैसे पहले की हमने रख दी +1 कूलम, दूसरे की रखी -3 कूलम, आगे वाले की रख दी हमने +5 कूलम। इस प्रकार से अपने पास में अभी इस छोटे से निकाय में टोटल कितने चार्ज हो गए, 3 चार्ज हो गए। तो कुल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल आवेश ज्ञात करेंगे हम लिखेंगे समीकरण क्यू इक्वल टू, सबसे पहले अपने पास क्या है 1 कूलम, उसमें क्या जोड़ना है अपने को -3 कूलम, तो फिर अपने को क्या जोड़ना है 5 कूलम, जोड़ के देखें 5 को में कितना हुआ 6, 6 में से क्या चले गई 3, तो इक्वल टू अपने पास में कितने बचे +3 कूलम। तो इस सिस्टम में चार्ज कितना है 3 कूलम। इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के लिए, काफी बार आते हैं, बड़े प्रश्नों के साथ में इसको जोड़ देते हैं और बिल्कुल सिंपल सा योग करना है, और इसमें भी गलती कर दोगे तो फिर आगे देखो क्या होगा। तो इस प्रकार से ये जो आवेशों की योग्यता है इसकी डेफिनेशन भी बहुत बार आती है और इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन भी होता है, आपको जोड़ना होता है, जितने प्लस थे उनको अलग कर लो, माइनस वालों को एक बार अलग जोड़ लो, फिर उनको टोटल जोड़ दो और जो आंसर होगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद में दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आवेशों की निश्चलता। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट यानी डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता, वस्तु की गति पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान इसकी गति पे निर्भर नहीं करता और गति से स्वतंत्र रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आपके पास में कोई भी वस्तु है, जैसे छोटा पार्टिकल हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आप जानते ही हैं 9.1 × 10⁻²⁷ kg, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मास होता है, तो ये वस्तु हो गए, एक कण हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, आगे लगा देती है माइनस, यानी ये किस कैसी प्रकृति का है, ऋणावेश प्रकृति का है। तो ये पार्टिकल हो गया आपके पास में, वस्तु क्या हुई, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान इसकी गति पे निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यदि स्थिर अवस्था में है तब भी इस पर चार्ज कितना है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये यदि गतिशील अवस्था में है तब भी इस पे चार्ज कितना है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसमें ना तो वृद्धि होती है और ना ही इसमें क्या होती है किसी प्रकार की कमी होती है, ठीक है, यानी ये हमेशा 1.6 है, 1.7 भी नहीं होता, ठीक है, ना ही 1.5 रहता है। फिर आगे का मल्टीपल तो छोड़ो, मल्टीपल को तो छोड़ो, ये हम यदि इसके आगे वाली क्वांटिटी देखते हैं 1.6 से, ये भी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप कहोगे फॉर्मूले की बात हुई तो इसका भी कोई फॉर्मूला होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू विराम बराबर क्यू गतिशील, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चार्ज आपका विराम की अवस्था में है तब उस पे चार्ज की वैल्यू, और कोई भी चार्ज आपका गति की अवस्था में है तब उस पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो हमने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया, एक बार फिर बात कर लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर है बिल्कुल, ये आपका ये पार्टिकल है तो इसको हमने नाम क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी आपकी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो ये स्थिर अवस्था में अब यदि दौड़ने लगेगी, मान लो सपोज करो ये जा रहा है आपका 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इससे भी हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है, या हम बात करें 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मोस्टली इस प्रकार की वैल्यू आती है जब इलेक्ट्रॉन को हम गति कराते हैं, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इस पे चार्ज है, ये स्थिर है तब भी यही चार्ज रहेगा, और ये गतिशील है तब भी चार्ज का मान या आवेश का मान क्या रहेगा, यही रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, निश्चलता यानी इंडिपेंडेंट। अब इसके बाद में हमने दो देख लिए, अभी अपने पास में कौन सा गुणधर्म है, इसका तीसरा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म क्या है, आवेश का संरक्षण।
आवेश का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण ये क्या है? तो आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा होगा, ऊर्जा का संरक्षण 11th में था और वो आपने पढ़ाया क्या है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। सेम टू सेम यदि वो आपको याद है तो आपको जहां पे एनर्जी या ऊर्जा है वहां पे आपको क्या पुटअप करना है? आवेश। तो आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का केवल हम स्थानांतरण कर सकते हैं, ना तो नया चार्ज हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ना ही नया चार्ज हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति का कुल आवेश है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि नहीं हम इस घर्षण में क्या कर रहे थे, घर्षण का मेथड था या चालन का मेथड था या प्रेरण का मेथड था, उन सभी मेथड में हम क्या कर रहे थे? चार्ज को उत्पन्न कर रहे थे ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, वहां पे हम आवेशों का केवल क्या कर रहे थे? स्थानांतरण कर रहे थे। कैसे? कि जैसे जब घर्षण विधि के अंदर हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा था, मान लो इन दोनों वस्तुएं हो गई, इनको आपस में हम रगड़ते हैं तो आप कहेंगे कि हमने तो उत्पन्न कर लिया, इसमें क्या उत्पन्न किया? प्लस कर लिया, और इसमें हमने क्या उत्पन्न कर लिया? माइनस उत्पन्न कर लिया, यानी यहाँ ऋणावेश उत्पन्न किया है, यहाँ धनावेश उत्पन्न किया है, ये हम बात कहेंगे, जो कि गलत। वो गलत क्यों है? क्योंकि इससे पहले, घर्षण से पहले ये दोनों बॉडी क्या थी आपकी? न्यूट्रल थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में क्या हुए? स्थानांतरित हुए। तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन जब इस बॉडी में आ गए तो यहाँ पे क्या आया आपका? ऋणावेश आया, वो क्या आया? माइनस क्यू। और सेम टू सेम इस पे कितना रह गया? धनावेश रह गया कितना? प्लस क्यू। जबकि यहाँ पे हम नेट देखेंगे, यहाँ पे हम नेट चार्ज देखेंगे तो वो क्या होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस बॉडी का क्या देखेंगे? प्लस क्यू। दूसरी बॉडी का क्या देखेंगे? माइनस क्यू। टोटल कितना है आपके पास में? जीरो। ठीक है, यानी हमने नेट चार्ज कितना उत्पन्न किया? जीरो उत्पन्न किया। तो हमने किया क्या इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में हमने एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में क्या किया है? स्थानांतरित किया। तो यहां से जितना इस बॉडी में जितना ऋणावेश आएगा उसके समान ही इसमें क्या आएगा? धनावेश आएगा। और यदि हम नेट देखेंगे, कुल देखेंगे, तो आपका कुल आपको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। ये क्या है? आवेश का संरक्षण। एक रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हम और देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या चार्ज उत्पन्न होता है या वहां पर भी नेट चार्ज जीरो होता है या इक्वल होता है। तो हम एक छोटी सी रिएक्शन देखते हैं, क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। और उसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में? हीलियम के साथ में। तो यहां पे अपने पास क्या बना? ऑक्सीजन और साथ में एक आपका प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन। तो अब यहां पे देखिए, केवल यहां पे हम धनावेश देख लेते हैं, वैसे इसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होगी क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में है। तो धनावेश देखो, धनावेश किससे बनता है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों की वजह से। तो इसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी है? 7। और एक प्रोटोन पे चार्ज कितना होता है? ई। वो आगे हम यहां बात करेंगे। क्वांटीकरण में बेस इकाई हमेशा क्या होती है? ई होती है। तो 7E। और इसमें जोड़ देते हैं, यहां पे कितना होगा आपका? 2E। हीलियम के लिए 2E। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन में प्रोटोनों की संख्या 8 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देती है? E से। फिर आगे हाइड्रोजन, ये क्या होगा आपका? 1E। तो यहां पे जोड़ के देखें, 7 और 2 9E। और यहां 8 और 1 कितना हुआ? 9E। दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले आप एक पार्टिकल का नहीं देखना है। आप एक पार्टिकल का देखोगे तो समस्या हो जाएगी। आप यहाँ पे नाइट्रोजन देखोगे, ऑक्सीजन देखोगे तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन पे तो 7 ही था, यहाँ पे क्या हो गया? 8 हो गया। आपको टोटल देखना है, इसमें जितने भी भाग लेते हैं क्रियाकारक सभी का देखना है। तो यहाँ पे 7E और 2E टोटल कितना हुआ? 9E। और यहाँ 8E और प्लस में 1E कितना हुआ? 9E। यानी अभिक्रिया से पहले का कुल आवेश और अभिक्रिया के बाद का
कुल आवेश आपका समान है। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण लगा है क्या? आवेश संरक्षण लगा है। बता देता हूँ आवेश का संरक्षण काफी बार पूछा जा चुका है। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित करते हैं। यह आवेश का क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो अब तक हमने तीन प्रॉपर्टी की बात की, अब चौथी प्रॉपर्टी अपने क्या है? क्वांटीकरण। तो क्वांटिटाइजेशन क्या है? आवेशों का क्वांटिटाइजेशन या क्वांटीकरण। एक बार डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, क्या है आवेश? एक आवेश क्वांटीकृत है, यानी आवेश क्या होते हैं? क्वांटीकृत होते हैं, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश, कोई भी सिस्टम है उसके जितना भी आवेश है वो क्या है? आवेश की मूल इकाई, आवेश की जो मूल इकाई क्या है? अपनी स्मॉल ई है, उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। एक बार फिर, आवेश क्वांटीकृत है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश, आवेश की मूल इकाई ई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब देखें क्या बताता है ये चीज। ये बताती है कि सबसे पहले आवेश की मूल इकाई क्या है? ई है, और इस ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जब यह ई इलेक्ट्रॉन पर होता है तो ये वैल्यू क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है, और प्रोटॉन के लिए जब यूज करते हैं तो ये क्या होती है? आपकी पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये ई है, ये वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻¹⁹ कूलम, एक कूलम का ये बहुत अरबों खरबों से भी बहुत छोटा हिस्सा हो जाता है अपना, और उसका मल्टीपल कितना होता है? 1.6। तो ये क्या होती है? आवेश की मूल इकाई होती है, और कोई भी आपके पास में निकाय हो उस निकाय का कुल आवेश इस ई का पूर्ण गुणज होता है। तो हमने इस ई को किससे गुणा करें? एन से गुणा कर लिया, और एन यहाँ पे क्या आपका एन है? पूर्ण गुणज। जब ये पूर्ण गुणज है तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। 1, 2, 3, 4, 5 एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो n आपका क्या हो सकता है? कोई भी पूर्ण गुणज हो सकता है। इसका मतलब है कोई भी दशमलव वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखो, इनको हम बात करें ऋण आवेश के लिए। ऋण आवेश के लिए बात करें कि 1 को e से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? 1e। और आगे क्या लगेगा ऋण आवेश के लिए? माइनस। फिर दूसरी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 2e, वो भी इसका माइनस का। उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं -3e, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं -4e। इस प्रकार की वैल्यूज किसके लिए होगी? ऋण आवेश के लिए होगी। यानी किसी भी वस्तु को आवेश जो हम देंगे, ऋण आवेश यदि दे रहे हैं, तो वो किसका मल्टीप्लाई होगा? वो e का पूर्ण गुणज होगा, यानी -1e हो सकता है, -2e, -3e, -4e, इस प्रकार से हो सकता है। तो फिर आप ये पूछेंगे कि इसमें हो क्या नहीं सकता? हो ये नहीं सकता कि आप किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं और आप कहेंगे कि हम उसको 1.2e चार्ज देंगे, तो आप इसको 1.2e चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई? आपकी दशमलव वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आप कहें कि नहीं, हम तो इसको 1.5e को नेगेटिव चार्ज देंगे, तो वो आप नहीं दे सकते। आपको क्या देना पड़ेगा? e का पूर्ण गुणज भी चार्ज आप किसी बॉडी को दे सकते हैं या उससे ले सकते हैं, तो ये वैल्यू भी ग्रहण नहीं की जाएगी चार्ज की। इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू ले लो, आप कहें कि 2.1e नेगेटिव चार्ज हम किसी बॉडी को दे रहे हैं, तो आप वो नहीं दे सकते। आप उसे -2e चार्ज दे सकती है, 1e दे सकते हैं, 3e दे सकते हैं, मतलब e के सारे पूर्ण गुणज चार्ज आप उसे दे सकते हैं, लेकिन दशमलव वैल्यू के जितने भी चार्जेस हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो चार्ज आप किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते। यही होता है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण काफी जगह आएगा, जहां पर भी क्वांटीकरण आए, क्वांटीकरण का बस सीधा सा मतलब यही है कि एक छोटी बेस यूनिट हो जाएगी, और उस बेस यूनिट के मल्टीपल में आप किसी चीज से
कुछ दे सकते हैं या किसी चीज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्वांटीकरण को पकड़ना है, बस आवेश आया तो आवेश का क्वांटीकरण समझा दो, फोटोन आ रहा है तो फोटोन का क्वांटीकरण समझा दो। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे जो हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आवेश का क्वांटीकरण है क्या, आपको कहां तक लिखनी है कि आवेश क्वांटीकृत है अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश, आवेश की मूल इकाई ई का क्या होता है, पूर्णगुणज होता है, यानी q बराबर आपको लिखना है प्लस माइनस से एन। आप यहां तक लिख देंगे तो ये पूरी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला हम नहीं छोड़ सकते, जब भी ये डेफिनेशन है ये फॉर्मूला आपको लिखना ही होता है। नेगेटिव किसके लिए है, ऋणावेश के लिए है, और पॉजिटिव किसके लिए, धनावेश के लिए है। अदरवाइज आप ऋण आवेश यदि कहीं पे निकाल रहे हैं, आप नेगेटिव भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर निकाल दो आपका जो भी है, लास्ट में उसके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो, तब भी सही माना जाएगा। तो आज हमने ये चार गुणधर्म देखे हैं, और अब की बार इनमें से किसी एक गुणधर्म के बारे में पूछा जाएगा, कोई भी एक पूछा जा सकता है। आवेशों की योग्यता समझाइए, या आवेशों की निश्चितता समझाइए, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट यदि देखें तो आवेश का संरक्षण, और सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम देखें तो आवेश का क्वांटीकरण। इसके चांस ज्यादा हैं जो हमने लास्ट में अभी बात की है, आप अच्छे से इसे याद करें, दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखेंगे, सभी बच्चों का धन्यवाद।